प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। आप आश्वासन दीजिए पब्लिक को और जो थाना को जला दिया जाएगा, नई कार्रवाई करेंगे तो हम लोग भी चेक लेंगे थाना। झारखंड की राजधानी रांची से करीब 207 किलोमीटर दूर गढ़वा जिले में मवेशी काटने और उसका मांस पकाने पर दो समुदायों के बीच तनाव उत्पन्न हो गया है। ग्रामीणों ने आरोपियों की दुकानों में तोड़फोड़ की और थाना का घेराव किया। इस मामले में शिकायत के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की और 7 लोगों को धर दबोचा। इस मामले में 15 लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है। बताया जा रहा है कि शनिवार की रात को गढ़वा जिले के खरौंदी थाना क्षेत्र स्थित चंदनी गांव में विशेष समुदाय के लोग देर रात मवेशी काटकर उसका मीट बना रहे थे। इसी दौरान पुलिस ने 7 लोगों को धर दबोचा। इनके नाम मनव्वर अंसारी, अजमेर अंसारी, मनव्वर अंसारी के दामाद मुख्तार अंसारी, नसीरुद्दीन अंसारी, सजमेर अंसारी समेत अन्य हैं। इसके अलावा 2 महिलाओं को भी गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के साथ पुलिस इंस्पेक्टर चंदन कुमार सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि मवेशी काटने के मामले में 15 लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने 5 पुरुष और एवं 2 महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया है, बाकी आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सूचना मिलते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की है। बताया जाता है कि मुस्लिम समुदाय का एक किसान शनिवार को मवेशी बेचने के लिए बाजार गया था। बाजार में एक किसान को कोई खरीददार नहीं मिला। इसके बाद कुछ लोगों ने मवेशी को महज 200 रुपए में किसान से खरीद लिया। पास के विक्की यादव एवं अरविंद कुमार यादव को इसकी सूचना मिल गई। उन्होंने 20 सूत्री अध्यक्ष राजेश कुमार रजक, बजरंग दल के अध्यक्ष रामानंद मेहता एवं थाना प्रभारी अभय कुमार को इसकी जानकारी दी। रविवार सुबह 7 बजे से ही चंदनी के लगभग 500 लोग खरौंदी थाना पहुंच गए। आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग करने लगे। ग्रामीणों ने थाना का गेट खोलने की भी मांग की। थाना का गेट नहीं खुला तो लोग आक्रोशित हो गए और गेट पर ही नारेबाजी शुरू कर दी। भीड़ ने बाजार को भी बंद करवा दिया। इस दौरान लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाए। बाजार में आरोपियों की मुर्गे की दुकानों को लोगों ने तहस नहस कर दिया। लोग फिर थाना पहुंचे। इस बीच DSP प्रमोद कुमार केशरी एवं इंस्पेक्टर चंदन कुमार सिंह भी थाना पहुंचे। आक्रोशित लोगों ने आरोपियों एवं उनके परिवार के सभी सदस्यों पर कड़ी से कड़ी धारा लगाकर जेल भेजने की मांग की। चंदने गांव में कल दिनांक 26/11/2022 की रात्रि को गौकसी करने का मामला प्रकाश में आया, जिसको पुलिस को सूचना दी गई कि चंदनी ग्राम में ऐसा हुआ है। इस पर खरौंदी पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए इस संबंध में 5 लोगों की 5 पुरुष और 2 महिला की गिरफ्तारी किया गया है और इस पर हम लोग प्राथमिकी दर्ज कर अग्रतर कार्रवाई कर रहे हैं और इसमें और लोग जो शामिल हैं उसकी गिरफ्तारी तो छापामारी भी चल रही है। देखिए, ऐसा तो विशेष रूप से पशु तस्करी का ये मामला नहीं था, लेकिन इस संबंध में थाना प्रभारी को निर्देश दिया गया है कि इस तरह का कोई भी सूचना प्राप्त होता है तो त्वरित गति से कार्रवाई करें। जब प्रशासन के पास मामला आ चुका है, बड़ा बाबू से बातचीत हुई है, गेट बंद था, पब्लिक पूरा जाम लगाई हुई है। हमने बड़ा बाबू को कहा कि आप आश्वासन दीजिए पब्लिक को और जो थाना को जला दिया जाएगा, है ना। बड़ा बाबू कहे कि हम लोग कार्रवाई करने जा रहे हैं, हम लोग अगर आप ही बाजे रहे हैं किसी काम चलेगा, अगर कार्रवाई नहीं होगी तो कहिएगा। यही बात बोले हैं कि आप लोग शांत रहिए, कार्रवाई की बातें करेंगे, नहीं कार्रवाई करेंगे तो हम लोग भी देख लेंगे थाना। बाकी और जो दोषी है उन लोगों के बारे में क्या बोले? दोषी के ऊपर कार्रवाई होगी, कानूनी कार्रवाई होगी। अब पहले उन लोगों को मरम्मत होना चाहिए। 4 लोग पकड़े गए हैं और बाकी 4 आदमी चलते पूरा दिया गंदा होगा। जो गलती किया है उसको दंड मिलना चाहिए। अगर दंड आप नहीं देते पब्लिक को सबूत कीजिए। DSP ने आश्वासन दिया कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, तब जाकर लोग शांत हुए। गढ़वा के खरौंदी से अभिमन्यु कुमार की रिपोर्ट। प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।